subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. Hello dosto, hello viewers, assalamu alaikum. आज का जो टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूँ वो है बिज़नेस के बारे में, परिंदों के कारोबार के बारे में। अक्सर दोस्त यही सोच रहे हैं कि हम लोग परिंदे का कारोबार करें, पर किस तरीके से, और हम लोग परिंदे रखें तो क्यों रखें। तो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मैंने परिंदों का कारोबार करना है और आपने देख लिया कि यार मेरे पास थोड़ी बहुत पॉकेट मनी है, जिस तरह मिसाल के तौर पे किसी भाई के पास 2000 रुपये है, किसी के पास 5000 है, किसी के पास 10000 है और इससे बढ़ते जाए। तो अगर आप लोगों ने ये कह दिया है कि यार मैंने परिंदों का कारोबार करना है, तो बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ और मैं आप लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी देता रहूँगा। सबसे पहले आता है एक्सपीरियंस की तरफ। जब एक चीज़ के बारे में आप लोगों को मालूमात होगी तो आप उसका कारोबार बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अब आप एक्सपीरियंस किस तरह बनाएंगे? एक्सपीरियंस बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने इर्द गिर्द की मार्केटिंग चेक करनी है। मार्केट, बर्ड्स बाज़ार, परिंदा बाज़ार। अगर आपके वहाँ पर परिंदा बाज़ार है, कोई शॉप है, तो आप पहले वहाँ पर जाए कि आप लोगों को परिंदे किस तरीके से मिलते हैं और अगर आप रखेंगे तो आप किस तरीके से बेचेंगे। जब आपको लेना आसान हो जाएगा और बेचना भी आसान है तो फिर वेरी गुड। और अगर आपको बेचने में कोई मुश्किल पैदा हो रही है या लेने में, तो बेहतर ये है कि आप ये कारोबार के बारे में सोचना ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसे कारोबार का क्या फ़ायदा जो आपके पास सामान हो और वो बिके भी ना। पहले आप अपने इलाके में अच्छी तरीके से देख लें कि किस शॉप से मैंने परिंदे उठाने हैं और किस तरीके से बेचना है। बेचने के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक हम शॉप के ज़रिए हम अपना परिंदा बेच सकते हैं, और सेकंड हम जिस तरह एक छोटा सा मेला लगता है गांव में या शहर में, तो आप उसके ज़रिए भी बेच सकते हैं। तो जब आप ये कर सकते हैं तो फिर आप आ जाए बिज़नेस की तरफ। पहले आप देखें कि आपके पास जेब में कितने पैसे हैं और कितने पैसों से आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आप इस तरह करें कि सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस बनाएं। एक्सपीरियंस इस तरह बनाएं कि मुख्तलिफ परिंदे अपने पास रखें, जिस तरह मैंने ये कॉकटेल रखे हैं और ऑस्ट्रेलियन पैरट, बजरी रखे हैं और ज़ेब्रा फिंच और फिशर भी रखे हैं मैंने। तो वो मैंने इसलिए रखे हैं कि ये मैं एक साल इनको अपने पास रखूँगा, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा कि कौन से परिंदे मेरे पास बेस्ट रिज़ल्ट है या इनकी देखभाल मैंने किस तरह करनी है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास 4000 है तो आपने 4000 रुपये के परिंदे ले आए। आप शुरू में 2 पेयर लेकर आए या एक एक पेयर ले आए, वो आप इनको सिर्फ एक साल का टाइम दें अपना एक्सपीरियंस बनाने के लिए। जब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस बन जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए ये बेचना या इसका बिजनेस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और आपने अब ये मत सोचिए कि मैंने कौन से परिंदे रखने हैं। अगर आप लोग मेरी राय लेते हैं, सबसे पहले बजरी से स्टार्ट करें। अगर आपके पास आमदनी कम है, पॉकेट मनी कम है, तो बजरी से स्टार्ट करें। अगर आपके पास पॉकेट मनी ज़्यादा है, कॉकटेल से स्टार्ट करें। अगर आपके पास एक्सपीरियंस बन चुका है तो आप बड़े परिंदे इस्तेमाल करें। और
जब आप ये कर ले तो फिर आप देखें कि आपका काम कैसे चलता है। पहला आपके पास चीज़ें भी आ गया है, सेकंड आप लोगों को ये भी पता लग गया कि मैंने सेल आउट किस तरह करनी है, और थर्ड आप लोगों को अभी ये भी दुश्वारी नहीं होगी कि मैंने कौन सा परिंदा रखना है, क्योंकि आप लोगों के पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी बन चुका है और हर एक चीज़ के बारे में पता लग गया। फिर आप मज़े करें, अपना बिजनेस अच्छे तरीके से चलाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। ये बहुत ही छोटी टिप है और मैंने ये बहुत शॉर्टकट में आप लोगों को ये बातें बता दी है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आप लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। ये देख ले, मैंने इनको भी रखा है अपने पास, फिशर को। इनका भी माशाल्लाह मेरे पास बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। यहाँ पर ज़ेब्रा फिंच भी मैंने रखी हुई है, सुर्खी भी रखी हुई है, ये आप देख सकते। ये सिर्फ मैंने एक्सपीरियंस के लिए रखा है और मुझे रिज़ल्ट भी इनका अच्छा मिल रहा है, क्योंकि मेरे पास सीज़न हो गया है। ये भी सर्दियों का मौसम है, गर्मियों में मैं लेकर आया था, ये सर्दियों का मौसम ख़त्म होने वाला है, दिसंबर का महीना चल रहा है। जब ये मौसम ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं स्टार्टिंग ले लूँगा इनकी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ठीक ठाक एक्सपीरियंस भी बन गया है और मुझे समझ भी आ गया कि मैंने इनको किस तरह कंट्रोल करना है हर बीमारी से। तो इसी तरह आप लोगों को भी सब कुछ पता लग जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक साल भी दोनों मौसम। और ज़रूरी नहीं है कि आप ये मत सोचे कि मैंने ये छत पे रखने हैं या नीचे रखने हैं या कमरा है मेरे पास। सिर्फ आप अपने आप को सिर्फ एक साल का थोड़ा सब्र रखें, इंशाल्लाह आप लोगों को खुद ही पता लग जाएगा कि कौन सी जगह पे मेरे पास बेस्ट रिज़ल्ट है, क्योंकि हर इलाके का अपना अपना टेम्परेचर होता है और हर इलाके में परिंदा रखना थोड़ा चेंज होता है, तो इस तरह आप लोगों को भी पता लग जाएगा। चलो, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं न्यू आप लोगों को वीडियो बना कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दूँ तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं, और अगर आप लोगों को मेरी बातें या मुझसे कुछ भी आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आप लोगों का बना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, और मेरी जितनी भी वीडियो आप देख सकते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह इन सब के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and